बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हो? ठीक ठाक होंगे? खैरियत से होंगे? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। आप इंजॉय कर रहे होंगे, बच्चों के साथ खुश बाश होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों के साथ खुश बाश रखे, हंसता मुस्कराता रखे। मैं आज आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको के लिए एक बहुत खूबसूरत सा आइडिया लेकर आई हूँ, जो आप देखेंगे तो हैरान होंगे। इतना छोटा सा आइडिया है जो कि मैं आपको दे रही हूँ। ये छोटे छोटे से दो तीन फ्लावर बने हैं अंगूर नुमा, जो कि आपको बहुत प्यारे लगेंगे। ये छोटी बच्चियों के लिए है, जो वो आसानी से बना सकती हैं। बड़ा फ्लावर बनाना उनके लिए मुश्किल होता है। ये मैं उन बच्चियों के लिए शुरू कर रही हूँ, इब्तदा करती हूँ। देखो, जिस तरह मैं पहले बताती हूँ कि ये बहुत बारीक प्यार सूती है, इसके अंदर बनाने का तरीका बताना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको तरीका बताती होती हूँ, ये आइडिया मेरा। ये देखें, एक दो दो खाने बनाए, इधर तिरछा करके एक बनाया, इधर तिरछा करके एक बनाया, फिर देखें आप दो खाने बनाए, फिर दो बनाए, ऊपर एक बढ़ा दिया, फिर आपने इधर बना दिया, तीन हो गए हैं, तीन इधर हो गए हैं। ये होगी इसकी डंडी पत्ती तैयार होगी। अब ये देखें, आपको छोटा सा एक फ्लावर दिखा रहे हैं, फूल। आप इसको चाहे अंगूर समझें या आप फूल समझें, बहुत प्यारा सा। देखें, एक दो खाने, एक दो तीन चार पाँच खाने बना दिए, इधर दो इधर बना दिए, इधर फालतू हो गया, किधर हो गया। इसी तरह पांच ऊपर बनाए, फिर ऊपर दो बना दिए, फिर एक दो डंडी बना दी, इधर एक खाना बना दिया, दो बनाए, फिर आपने चार पांच बना दिए, फिर आपने चार बना दिए, फिर दो बना दिए। इसी तरीके से आपने दो देखे पैरेट कलर बनाए, उसके बाद एक दो, फिर आपने दो बनाए, फिर आपने चार बनाए, ऊपर चार बनाए, फिर दो बनाए। अब यह हमारा छोटा सा फ्लावर तैयार होगा, अंगूर नुमा फ्लावर तैयार हो गया। इसको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद करना, दोस्तों शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना हमारा फ्लावर कैसा लगा। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई आवाज़ आ जाए तो माइंड मत करना, बच्चे हैं, कोई टी वी चला देता है, कोई बाइक की आवाज़ आ जाती है। ये पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआ में याद करना, दोस्तों शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बता देना। अल्लाह हाफिज़।